हे गाइस, मेरा नाम है आशीष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप जैसा देख सकते हैं, आज मेरे पास है पोको F1 और जिसमें आ चुका है MIUI 11 का स्टेबल अपडेट। तो जैसा देख सकते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं MIUI 11 का 0.0.50.0 स्टेबल। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या नए फीचर्स मिलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं MIUI 11 का स्टेबल अपडेट। तो उसमें देखते हैं हमें क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं। तो हमें जैसे बताया गया था, हमें इसमें सबसे पहले जो है डार्क मोड मिलेगा। तो चेक करते हैं डार्क मोड मिला है कि नहीं। तो अब जैसा देख सकते हैं, हमें MIUI के स्टेबल वर्जन में डार्क मोड मिल जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमें इसमें स्केड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हमें इसमें टर्न और टर्न ऑफ का टाइम मिल जाता है। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा। फाइनली हमारे पोको F1 में डार्क मोड आ गया है। फिलहाल इसको हम लोग बंद कर देते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, हमारा फ़ोन है पोको F1, MIUI वर्जन है 11.0.5 स्टेबल। एंड्रॉयड वर्जन हमें अभी भी एंड्रॉयड 9 ही मिलता है। सिक्योरिटी पैच अक्टूबर मिलता है। और स्पेक्स देखते हैं तो सब सेम है, बट MIUI 11 आ गया है। और देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन का हम टैब खोलते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें रीडिज़ाइन कर दी गई हैं। जैसे देख सकते हैं, फ़ोन रिंगटोन में आपको इस तरह का एक नया डिज़ाइन मिलता है। इसी तरह आपको अलार्म साउंड में आपको अलग अलग अलार्म टोन मिल जाती है। वीकली अलार्म प्लेज डिफरेंट साउंड ऑफ नेचर एवरी डे ऑफ द वीक। ओके, और बाकी सारी चीज़ें सेम है इसमें ऑलमोस्ट। और आपको थीम का सेक्शन मिल जाता है इसमें, जो कि MIUI 10 जैसा ही है बिल्कुल। आपको इसमें डिजिटल वेलबींग का फीचर मिल जाता है, इंटीग्रेटेड मिल जाता है इसमें। जैसा आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर काम कर रहा है। स्पेशल फीचर्स में आपको गेम टर्बो, क्विक रिप्लाइज, जैसा आप देख सकते हैं इसको मैंने डिसेबल किया हुआ है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपको एक मिनी विंडो मिल जाती है जिसमें आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं या ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और एक आपको फीचर मिल जाता है, जैसे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया या आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा कैलकुलेटर मिल जाता है जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग में चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिल जाता है हमें इसमें। सेकंड स्पेस जो कि पहले भी था हमारे पास, कोई नया नहीं है। बैटरी परफॉर्मेंस में हमें सेम दिख जाता है, बट हमें इसमें अल्ट्रा पावर सेविंग मोड नहीं मिलता है जो कि बाकी फ़ोन्स में आ चुका है। तो ये शायद हमें अगले अपडेट में मिल जाए। डिस्प्ले में जाते हैं तो हमें सारे वही सारे फीचर्स मिलते हैं। डार्क मोड आपको दिखा दिया मैंने। नॉच एंड स्टेटस बार में आपको वही सारे फीचर्स मिलते हैं। शो इनकमिंग, शो आइकन फॉर इनकमिंग नोटिफिकेशंस, कनेक्शन स्पीड, शो कैरेवन डिवाइस लॉक्ड, ये सारे वही पुराने फीचर्स हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं आया है। बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने सेटिंग पेज को रीडिज़ाइन कर दिया है। और पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये अपडेट कुछ खास सिग्निफिकेंट लगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी ऐसा नया फीचर नहीं मिलता है जो आपको MIUI 10 से 11 की तरफ अपडेट करने पर मजबूर कर दें। कैमरा देख लेते हैं, कैमरा भी काफ़ी हद तक सेम ही है इसमें। AI मोड मिल जाता है आपको, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, नाइट मिल जाता है, स्क्वायर मोड मिल जाता है, पैनोरमा मिल जाता है, प्रो मोड मिल जाता है। प्रो मोड में आपको सारे फीचर मिल जाते हैं। अब वीडियो
रेजोल्यूशन अभी भी आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, आपको उसके लिए सेटिंग में जाना ही पड़ेगा। तो ये मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा। बात करें लॉन्चर की, तो आपको इसमें पोको लॉन्चर मिलता है जिसका लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल किया हुआ है। उसमें आपको यही सारे जो है यूटिलिटीज़, कॉल कैब, स्टॉक्स, ये सारे विजिट्स मिल जाते हैं। आइकन उन्होंने चेंज कर दिए हैं जो कि ठीक ठाक लग रहे हैं, कुछ खास ऐसे नहीं लग रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप MIUI 10 यूज़ कर रहे हैं तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको MIUI 11 इंस्टॉल करना पड़े। बाकी आपका पर्सनल चॉइस है, मुझे कोई ख़ास ऐसा लगा नहीं इसमें अपडेट। तो अगर जैसे कोई नया अपडेट आता है तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।